हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का ई कोर्ट सर्विसेज सीएससी में लाइव हो चुका है। इसको कैसे एक्टिव करना है या फिर ये सर्विस को कैसे यूज करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आना है सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आप जब आएंगे, यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज लिखा होगा न्यूली अराइव्ड सेक्शन में। अगर आपको ये वाला सर्विस नहीं दिखाई देता तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिफ्रेश बटन में। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू प्रोडक्ट है, आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ये कोर्ट सर्विसेज के नाम पर जितना भी सर्विसेज है अभी सीएससी के वेली ये काम कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या क्या फायदा मिलेगा जानने के लिए यहां पर लॉगिन हुई तो डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आ जाएगा डैशबोर्ड, यहाँ से ही आप सारे सर्विस का पता लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से सर्विस मिलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हाई कोर्ट में कौन सा काम होता है, वहाँ पर जो केस फाइल होता है, केस रजिस्टर होता है, केस डिस्क्लोज होता है, इसी के बारे में ही यह सर्विस है। अगर इसका नॉलेज है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा सीएनआर नंबर क्या है। अगर आपके पास कोई केस का सीएनआर नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे सीएनआर नंबर जो कि 16 डिजिट का है। इसके बाद ये जो कैप्चा है यहाँ पर डाल के सर्च करेंगे तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा। नहीं तो अगर आप सर्च बाय सीएनआर करेंगे, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो 100 बिजनेस 100 ऑर्डर करेंट स्टेटस है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी केस का स्टेटस को चेक करना है तो केस स्टेटस पर क्लिक करेंगे। पार्टी नेम के हिसाब से अगर आपको केस स्टेटस को देखना है तो पिटिशनर का नाम डालेंगे, रजिस्ट्रेशन ईयर डालेंगे, इसके बाद एक कैप्चा डाल के सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पर केस नंबर के हिसाब से भी ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारा आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद भी बाकी सारे ऑप्शन हैं, अगर आपको इसके नॉलेज है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन सा सर्विस होता है या फिर कौन से टाइप का कस्टमर को आप ये सेवा दे सकते हैं या फिर आपके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। आई होप कि आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।